बच्चों, ये तो तुम सभी जानते हो कि हमें फल व सब्जियाँ पेड़ पौधों से मिलती हैं। पर क्या तुम बता सकते हो कि पेड़ पौधों को उनका खाना कहाँ से मिलता है? उन तक जरूरी चीजें जैसे पानी आदि कैसे पहुँचते हैं? क्या तुम्हारा उत्तर पेड़ों की जड़ है? जड़ों के द्वारा ही पौधों तक जरूरी चीजें पहुँचती हैं। पौधों का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर छिपा हुआ होता है, उसे जड़ कहा जाता है। जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और पौधे को जमीन पर मजबूती से खड़ा रखती हैं। ये पौधे को बढ़ने के लिए जरूरी चीजों को जमीन से उसके हर भाग तक पहुंचाती हैं। क्या तुमको पता है, जड़ें दो तरह की होती हैं, मूसलाधार जड़ और झाड़ूदार जड़। इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखो और सोचो कि इनमें क्या अंतर है। मूसलाधार जड़, इस तरह की जड़ों में एक मोटी मुख्य जड़ होती है जिससे कई छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। फिर इन छोटी छोटी जड़ों से महीन महीन ढेरों जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार की जड़ को मूसलाधार जड़ कहते हैं, जैसे मूली, गाजर आदि। झाड़ूदार जड़, जब पौधे के जमीनी हिस्से से या किसी अन्य हिस्से से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं, तो उन्हें झाड़ूदार जड़ कहा जाता है। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, घास आदि की जड़ें। तो समझे इन दो तरह की जड़ों को?